लंबे समय से मुस्लिम महासभा के साथ जुड़कर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जनता की सेवा कर रहे अल्ताफ हुसैन सिंगारिया ने गांव के लोगों की समस्याओं को देखते हुए बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, सिंगार गांव को विकास की धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने सरपंच पद के लिए ताल ठोक दी है। भावी प्रत्याशी अल्ताफ हुसैन ने सिंगार गांव के कुरेशी मोहल्ले में सरपंच पद के लिए ताल ठोकी है। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग जमा हुए। कुरेशी समाज के लोगों ने अल्ताफ हुसैन का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। न सिर्फ अल्ताफ हुसैन सिंगारिया का फूल मालाओं से स्वागत किया गया बल्कि उन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया है। वहीं लोगों को भरोसा दिलाते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि यदि गांव के लोगों ने उन्हें एक मौका दिया तो गांव की समस्याओं का समय पर निदान करने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि वो गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे। सिंगार गांव के कुरेशी मोहल्ले ने भावी प्रत्याशी अल्ताफ हुसैन की नियत और नीति से संतुष्ट होकर उन्हें अभी से ही अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि अभी सरपंची के चुनाव दूर हैं। वहीं इस मौके पर सिंगार गांव से सरपंच पद के भावी प्रत्याशी अल्ताफ हुसैन ने जीत के बाद गांव वालों को सभी मांगों को पूरा करने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली, पानी और रास्तों की समस्याएं ज्यादा हैं, जिनका जीतने के बाद समाधान कराया जाएगा। इतना ही नहीं, अल्ताफ हुसैन ने तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने तक की बात कही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या अल्ताफ हुसैन जीतने के बाद भी अपने इन वादों पर खरे उतर पाएंगे। मेवा टाइम्स के लिए पुनाना से एस खान की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।